name is Shyansh Bhasin and welcome back to my channel The Investrology. So guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कल वेडनेसडे को हम लोग कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं, कैसे मार्केट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड किस तरीके से अपने सेटअप्स को डिजाइन करें, वॉच लिस्ट क्रिएट करें जो हम लोग पूरे वीक यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग लाइव आए थे मंडे को एंड मंडे पे हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन करा था एंड बहुत सारे ट्रेड्स को लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने आज ट्यूसडे को भी आप लोगों को एक वॉच लिस्ट शेयर करी थी अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन करो बिकॉज वहां पर बहुत क्वालिटी कंटेंट एंड स्टॉक रिकमेंडेशन मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने एक वॉच लिस्ट क्रिएट रखी हुई है जिसे हम लोग टिल फ्राइडे तक यूज कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं। आज उस हमारे वॉच लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 10% से भी ऊपर गए थे, कुछ 10% वाले थे, कुछ 5% वाले थे, बट अभी भी कुछ स्टॉक्स बचे हैं जो एक ब्रेकआउट दे सकते हैं। आज की वीडियो में मैं तीन स्टॉक्स बात करने वाला हूँ, एक ऐसा BTS, एक ऐसा इंट्राडे और एक स्विंग ट्रेड के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसे रह सकती है। तो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है मदरसन सुमी। सो मदरसन सुमी आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सजेस्ट करा था 246 रुपीस के आसपास और वहां पर अभी जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है करंट प्राइस 251 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 6 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों को अभी भी मिल रहा है। अब ये स्टॉक एज अ BTST मैंने सजेस्ट करा था कि हम लोग बाय करके चल सकते हैं, बट अगर आप लोग इसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या अगर ऐसे स्विंग ट्रेड के लिए लेकर चलते हो तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। आई पर्सनली थिंक ये 30% का रिटर्न अपने करेंट लेवल से भी प्रोवाइड करवा सकता है। सो मदरसन सुमी के अंदर बन क्या रहा है, आप देख सकते हैं इसका जो लाइफ टाइम हाई था पहले वो ये था, आप इस लेवल को एग्जैक्टली देख सकते हैं 258 रुपीज का, जो कि जनवरी 2018 में था। आफ्टर दैट उसका एक ब्रेकआउट दिया था बट उसके ऊपर कभी भी वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली नहीं है। अब हुआ क्या रिसेंटली, जब एक ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद एक वीकली क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, एक विक देखने को मिली, एक फॉल्स गिरावट आई, एक छोटा सा पॉज आया, अगेन इट ट्राइड, ऊपर नीचे आ पाया, अगेन फॉल आया, अब ये दोबारा ट्राई कर रहा है। अब गाइस, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझोगे कि ये किस बेसिस पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो आप फाइनली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, एक अपने लाइफ टाइम हाई को दोबारा ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग भी पॉसिबली हमें देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक अभी करंट प्राइस है 251 रुपीस पे, अगर कल आपको डिप मिलती है 245 रुपीस के आसपास, डेफिनेटली यू कैन गो लॉन्ग और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो 330 रुपीस के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और आई थिंक ये 30% तक का रिटर्न इजिली दे सकता है। सो आई थिंक ये एक ऑटो सेक्टर का बहुत बढ़िया स्टॉक बन सकता है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है बेयर क्रॉप साइंस। बेयर क्रॉप साइंस पे भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ और ये भी ऐसा एक स्विंग ट्रेड है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक अच्छी खासी लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये कभी भी जा नहीं पाया। 2016 पे हमने देखा था इस स्ट्रक्चर को, इसने टेस्ट करा था एंड आफ्टर दैट उसी के नीचे कंसोलिडेट करता रहा, बट फाइनली 2020 में इसने एक ब्रेकआउट दिया। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट ये ऑलमोस्ट 25% या 50% का रिटर्न दिया एंड उसके बाद अब ये सस्टेनेबली नीचे आ गया। अब यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया बिकॉज एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली, अभी उसे आके इसने टेस्ट करा, टेस्ट आने के बाद अब एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट ये दोबारा दे रहा है। सो आई पर्सनली थिंक इस स्टॉक पे हम लोग एक इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ऐसा स्विंग ट्रेड 3 से 6 महीने के पर्पसेस को लेकर चल सकते हैं। करंट प्राइस अभी चल रहा है 5100 रुपीस का और आई पर्सनली थिंक ये यहाँ से 100 to 1500 पॉइंट्स ये रैली दे सकता है जो कि मिनिमम है, और अगर उसका ब्रेकआउट होता है और एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होता है तो ऑलमोस्ट हम लोग 8000 तक के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। सो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक स्टॉक बहुत अच्छा बन सकता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक। सो गाइस, मेरे लास्ट और थर्ड स्टॉक है टिन प्लेट। अब आप देख रहे होंगे जो भी मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ ज्यादातर वैसे हो रहे हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं एंड उसको दोबारा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस गाइस, ये सेटअप बहुत ज्यादा अच्छा होता है और अगर कभी भी अपना स्टॉक एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है तो वो एक नई जर्नी में जाता है एंड वहां पर जो उसके अपमूव और जो ऊपर बढ़ने के चांसेस होते हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप देखिएगा, टिन प्लेट एक स्टॉक है जिसपे 2018 पे एक हाई क्रिएट होता है, एक लाइफ टाइम हाई क्रिएट हुआ था। After that, recently अभी October 2021 पे इसका एक ब्रेकआउट हुआ एंड एक वीकली कैंडल भी इसके ऊपर हमें क्लोज देखने को मिली। After that, एक सेलिंग प्रेशर आया। अब जनरली होता क्या, ये स्टॉक्स मेरे फेवरेट होते हैं जो अपने वीकली एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हैं, क्लोज भी करते हैं, बट आफ्टर दैट एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है और रिट्रेसमेंट पे जब एक बाइंग आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब ये पर्टिकुलर स्टॉक एक जर्नी में जा चुका है।
अब आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज कि जो ब्रेकआउट आया इसे हम फॉल्स ब्रेकआउट नहीं कह सकते, और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट ये हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन पे ही ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट नहीं है, तो आई थिंक ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो सकता है। अब आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके फाइनली एक ब्रेकआउट दिया। आई पर्सनली थिंक ये अभी करंट प्राइस इसका 315 चल रहा है, 325 तक तो इजिली एज एन इंटरडे टारगेट में मान के चल सकता हूँ या फिर एज अ बीटीएसटी, बट अगर ये अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है जो कि 345 रुपीज का, जो अभी भी 30 रुपीज ऊपर है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 400 रुपीज तक की रैली भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये स्टॉक था हमारा लास्ट स्टॉक। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर और ओपन इंटरेस्ट का डाटा जरा चेक कर लेते हैं। गाइस मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, करंट प्राइस निफ्टी का चल रहा है 18,055 रुपीज। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ना कुछ हमें बाइंग के स्ट्रक्चर देखने को मिल नहीं रहे हैं निफ्टी के अंदर। लेट मी शो यू। आप देख पा रहे होंगे कि एक ब्रेकआउट आता है, एक गैप अप ओपनिंग होती है, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है ना स्टार्टिंग बेसिस, एंड शुरुआत के थोड़ी देर ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। कोई भी एक ट्रेंड कंटिन्यू होता है जो कि शुरुआत में एक घंटे के लिए रहता है, आफ्टर दैट वो जो ट्रेंड होता है, जो रैली होती है, उसी के रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यू करती रहती है। एग्जैक्टली वैसा होता है तो आप इस रेंज को फॉलो नहीं कर सकते। तो फ्रॉम माय साइड 18,055 एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर जाता, अगर 18,100 के ऊपर क्लोज करता है तो 18,300 और 500 के लेवल्स बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि हमें निफ्टी को अभी के लिए इग्नोर कर देना चाहिए एज एन इंट्राडे और हमें बैंक निफ्टी में फोकस करना चाहिए। सो इसका सिर्फ हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी करेंगे, बैंक निफ्टी पे अभी ज्यादा फोकस करते हैं। सो लेट मी शो यू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी हम लोगों ने ओपन कर लिया और बैंक निफ्टी एक अच्छे स्ट्रक्चर में है। आप देख पा रहे होंगे ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हायर हाइस एंड हायर लोस की फॉर्मेशन को ये पूरा कर रहा है। सो मुझे लगता है कि एक अच्छे मूवमेंट और एक अच्छे पैनल पे है कि हम इस पे इंट्राडे के सेटअप्स ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने दो सेटअप्स लिए थे, लेट मी शो यू ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पर मैंने आपको पूरा टेक्निकल बेसिक बताया है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि प्रोफेशनल्स हैं एंड वो लोग चार्ट पैटर्न्स को देखकर स्टडी करते हैं, वो लोग बढ़िया इंडिकेटर्स यूज करते हैं, बट जिसको बेसिक नहीं आता वो मार्केट के अंदर सस्टेन ज्यादा टाइम नहीं कर पाएगा। सो लेट मी शो यू क्या बेसिक था। हमने देखा एक अच्छी खासी मूवमेंट आई, आफ्टर दैट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, इट क्रिएटेड अ फ्लैग पैटर्न जिसके बारे में हम लोगों ने एक वर्कशॉप अभी कंडक्ट करवाया और संडे और है जिसपे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने बाय सजेस्ट करा भी था आप लोगों को एंड दिया था। आफ्टर दैट एक बहुत बढ़िया जर्नी हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर करे। आफ्टर दैट एक ब्रेकडाउन आया, आफ्टर दैट एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला और इस रिट्रेसमेंट पे हम लोगों ने इसी एग्जैक्टली इस लेवल पे दोबारा एंट्री ली। कैसे ली, लेट मी शो यू। इस कैंडल से, इस लो से एक अपमूव आना स्टार्ट हुई, ये लो लिया और ये टॉप से एक फॉल आना स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने ये टॉप लिया। जब हम लोगों ने लोअर टॉप को कनेक्ट करा तो पता चला अकॉर्डिंग टू फिबोनाची 50 और 61 एक एरिया ऑफ वैल्यू है जहां पर हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, और दूसरी बात अपने प्रीवियस हाई का इसी एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर ब्रेकआउट हुआ था। सो आई थिंक अगर इस लेवल पे टेस्ट करके ऊपर जाता है तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम लोग वहां पर बाय कर सकते हैं। सो आप टेलीग्राम पे अगर जाएंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये हमारा स्टॉप लॉस था एंड ये हमारा टारगेट था। सो ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव करे एंड बैक टू बैक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 250 प्लस पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर कैप्चर करे। सिंपल यहाँ नहीं ले पाए, एग्जैक्टली इस एरिया ऑफ वैल्यू से दोबारा रिवर्स करा और अपने प्रीवियस हाइज तक गया। सो अब आप चेक कर पा रहे हैं ना कि किस बढ़िया तरीके से हमें बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फोकस हमें रखना है, क्या बैंक निफ्टी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस एक हायर हाई एंड एक हायर लोस फॉर्म कर रहा है, बट आज के दिन ये प्रीवियस हाई है, ये ब्रेक नहीं कर पाया। बहुत बार ट्राई करी बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। लेट मी शो यू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल। अगर आप चेक करोगे हमेशा इसका प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, बट ये था इसका प्रीवियस हाई जो कि बैंक निफ्टी अब ब्रेक नहीं कर पाया। सो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर ये 38,500 के ऊपर कल जाता है तो डेफिनेटली एक बाइंग कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कल ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है 38,390 को तो हम सीधा एक शॉर्ट बना सकते हैं फिर टारगेट ऑफ 50-100 पॉइंट्स, जो कि इस एरिया ऑफ वैल्यू तक हम अपने टारगेट मान के चल सकते हैं, जो कि इजिली आ सकता है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के अंदर तो ट्रेड हम ले सकते हैं, निफ्टी के अंदर नहीं लेने चाहिए, और एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा के थ्रू कंफर्मेशन भी ले लेते हैं। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं कि हेवी कॉल राइटर्स हमें सबसे ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं इन अकॉर्डिंग टू पुट राइटर। हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है ऑन 18,400, 18,350, 300, 1,
100, 200 रिस्पेक्टिवली हर 100 पॉइंट ऊपर जाके कॉल राइटर्स एक्टिव ही एक्टिव हैं। और अगर हम लोग पुट राइटिंग की बात करें, यानी कि जहां सपोर्ट हमें मिल सकता है वो है 18,000 के अंदर, जो कि अभी ऑलमोस्ट उससे 50 रुपीस ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो आई पर्सनली थिंक अगर 17,980 ब्रेक हुआ, 1970 ब्रेक हुआ, उसके नीचे वेट करता है तो नेक्स्ट टारगेट शुड बी 17,900, जो कि क्लियरली उसी दिन हमें देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी के अंदर आई थिंक मैं पर्सनली ट्रेड नहीं सजेस्ट करने वाला। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हेवी पुट राइटर्स एक्टिव है 38,500, 38,400 पे, यानी कि अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 38,440 पे, तब भी हाईएस्ट पुट राइटर्स एक्टिव है 38,500 पे, यानी कि पुट राइट 38,500 पे हेवी फाइटिंग देखने को मिल रही है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड बिटवीन पुट राइटर्स। अगर कल ब्रेकआउट गैप अप के साथ देखने को मिलता है अबव 38,500 तो एक बार कॉल राइटर्स पुश करने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ, बट अगर पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव हो गए और वो ऊपर सस्टेन कर गया तो यानी कि हम लोग कल शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में 200 से 300 से 400 पॉइंट तक की भी मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। बट कॉशियस ये है कि अगर गैप अप हो गया और कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए और वो नीचे की तरफ पुश करते रहे, सो पर्सनली पुट राइटर्स भी हार मान सकते हैं और वो वहां से 200 पॉइंट की फॉल भी कर सकता है। सो आपको समझना है जब तक 38,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता वी डोंट हैव टू बाय। चार्ट्स भी ये कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी ये कह रहा है, अगर दोनों चीज एक चीज कह रही है तो आई थिंक हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक पूरी डेडिकेटेड 50 मिनट की वीडियो बना रखी है जिसपे मैंने पूरा बेसिक टू एडवांस कवर कर रखा है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, क्या चार्ट पैटर्न्स है, कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे हम लोगों ने अभी बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाया। तो वीडियो को जाके वॉच करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। इसके अलावा हमारा फ्लैग पैटर्न और साइकोलॉजी से रिलेटेड के वेबिनार्स भी एवरी सैटरडे संडे कंडक्ट होते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू लेट अस नो, नीचे लिंक पे आप क्लिक करके हमारे वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी तक दो वर्कशॉप्स के अंदर मोर देन 300 पीपल हैव ज्वाइन दैट वर्कशॉप और सब लोगों को बहुत पसंद आया गाइस, एंड ऑलमोस्ट 50% लोगों ने हमारे द इन्वेस्टोलॉजी के गूगल में रिव्यू भी डाला है और बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं। सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय।